ओके आज हम डिस्कस करेंगे लैरिंग्स का मॉडल बेसिकली ग्रोस ओएसपी के लिए। सो सबसे पहले हम लैरिंग्स का ये इंटीरियर व्यू है, ठीक है। इंटीरियर व्यू की निशानी क्या होती है कि इंटीरियर व्यू में हमें थायराइड कार्टिलेज नज़र आता है और इसकी एडम्स एप्पल भी प्रोमिनेंस होती है जो कि मेल में ज़्यादा प्रोमिनेंस होते हैं। दिस इज द एडम्स एप्पल पॉइंट, ठीक है। ओके सबसे पहले हम लैरिंग्स के बेसिकली कार्टिलेजेस करते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट वन, दिस इज द थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के ऊपर बिल्कुल ये हायराइड बोन है, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज हायराइड बोन के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू थायरोहायराइड मेम्ब्रेन। ये जितनी भी आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं ना, दिस इज अ थायरोहायराइड मेम्ब्रेन। थायरोहायराइड मेम्ब्रेन को दो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पियर्स करते हैं। एक हमारे पास होती है इंटरनल लरिंजियल नर्व और एक हमारे पास होती है सुपीरियर लरिंजियल आर्टरी, ठीक है। ये हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पियर्स करेंगे और पियर्स करने के बाद इसको हमारे पास अंदर की तरफ ट्रेवल कर जाएंगे। ओके अब हम कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज को देखने के बाद हम डिस्कस करेंगे एन अदर कार्टिलेज, दैट इज द क्रिकॉइड कार्टिलेज। दिस इज द क्रिकॉइड कार्टिलेज, आप देख सकते हैं, ठीक है। बिलो द थायराइड कार्टिलेज इज द क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज की जो अपीयरेंस है वो सिग्नेट रिंग अपीयरेंस होती है, ठीक है। ये एंटीरियरली हमारे पास आर्क बनाता है और पोस्टीरियरली हमारे पास इसके लार्जर लेमिनाज होते हैं, ठीक है। ये लेमिना है, यानी ये शीट लाइक लेमिना होती है। दिस इज द क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज भी थायराइड के साथ अटैच है थ्रू क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन। ये आप देख सकते हैं, जहां पर फोकस चाहिए वापस हो, ये हम देख सकते हैं कि दिस इज अ क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन। ओके अच्छा जी, अब हम इसके पोस्टीरियर व्यू पे आते हैं। दिस इज द पोस्टीरियर व्यू। पोस्टीरियर व्यू की निशानी क्या होती है कि वहां पर हमारे पास लेरिंजियल इनलेट हमें नजर आता है। ओके अब हम जब क्रिकॉइड कार्टिलेज को देखते हैं तो ये इसका जो पोस्टीरियर लेमिना है, इसके टॉप पर दो कार्टिलेज होते हैं, एक एरेटिनॉइड कार्टिलेज और एक हमारे पास होता है उस एरेटिनॉइड कार्टिलेज के भी ऊपर एक हमारे पास होता है, दैट इज द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, राइट। अब ये वो हमें नजर नहीं आने वाले ड्यू टू द मसल्स, ठीक है। ये लेकिन ये जो टिप है ना, ये हमारे पास एरेटिनॉइड कार्टिलेज की है, ठीक है। ये जो टिप हमें नजर आ रही है, दिस इज द एरेटिनॉइड कार्टिलेज। अब इस एरेटिनॉइड कार्टिलेज से ये हमारे पास एपिग्लोटिस है, ठीक है। एपिग्लोटिस, दिस इज एपिग्लोटिस। एरेटिनॉइड कार्टिलेज से एपिग्लोटिस तक हमारे पास एक फोल्ड जाता है, ये आप देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द एरियो एपिग्लोटिक फोल्ड, एरियो एपिग्लोटिक फोल्ड। यहाँ पर भी इस एरियो एपिग्लोटिक फोल्ड में हमारे पास कार्टिलेजेस होते हैं, दीज आर द क्यूनिफॉर्म कार्टिलेजेस, ठीक है। तो ये सारे कार्टिलेजेस हो गए हमारे पास जितने भी, और एक हमारे पास कार्टिलेज है एपिग्लोटिस, ठीक है, इटसेल्फ इज अ कार्टिलेज। तो ये हमारे पास सारे कार्टिलेजेस हो गए। कार्टिलेजेस के बाद हम आते हैं मसल्स पर, ठीक है। मसल्स में हम सबसे पहले देखेंगे एंटीरियर व्यू। एंटीरियर व्यू में हमारे पास एंटीरियर व्यू की मसल्स देखेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास ये लार्जेस्ट वन मसल नज़र आ रही है जो कि थायराइड कार्टिलेज से हायराइड बोन तक जा रही है, ठीक है। ये हमारे पास थायरोहायराइड मसल होती है, राइट। ये लार्जर वन इज द थायरोहायराइड मसल। देन ये क्रिकॉइड कार्टिलेज से हमारे पास थायराइड कार्टिलेज तक जा रही है, दिस इज कॉल्ड द क्रिकोथायराइड मसल, ठीक है, क्रिकोथायराइड मसल। ओके इस क्रिकोथायराइड मसल की एक्सेप्शन क्या है कि जितनी भी सारी मसल्स हैं ना लैरिंग्स की, उनको सप्लाई कौन करता है, उनको हमारे पास रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है। बट दिस क्रिकोथायराइड मसल इज सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, क्योंकि एक्सटर्नली प्रेजेंट है ना, तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि ये हमारे पास एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व सप्लाई करेगी, बाकी जितनी भी मसल्स हैं उनको रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है। ओके अब हम इसको ज़रा ओपन करने लगे हैं ताकि हम जो बाकी मसल्स हैं उनको भी हम फोकस कर सकें। ये हमने ओपन कर दिया है, ठीक है। ये थायरोहायराइड मेम्ब्रेन है, उसको दो स्ट्रक्चर्स पियर्स कर रहे हैं, वो थे। ओके नाउ अब हम आते हैं दो मसल्स पर। मसल्स में हमारे पास इधर से पर मसल्स में हमारे पास अब देखेंगे, ये जो हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज से हमें नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड द क्रिको एरेटिनॉइड मसल। क्यों? क्योंकि क्रिकॉइड कार्टिलेज से ओब्लीकली जा रही है टूवर्ड्स द एरेटिनॉइड कार्टिलेज। सो दिस इज़ द पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड मसल, ठीक है, पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड मसल। क्योंकि ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट है क्रिकॉइड कार्टिलेज के, इसलिए पोस्टीरियर क्रिकॉइड एरेटिनॉइड मसल। ओके देन यहाँ पर हम लेटरली जब देखते हैं
तो लेटरली हमें ये मसल क्रिकॉइड कार्टिलेज से रेटिनॉइड की तरफ नजर आ रही है. सो दिस वन इज कॉल्ड द लेटरल क्रिको एरेटिनॉइड मसल, लेटरल क्रिको एरेटिनॉइड मसल. ठीक है, ये पोस्टीरियर थी. अब हमें इसका एक ही पार्ट पकड़ने लगा. ठीक है, ये पोस्टीरियर थी, ये लेटरल है. अच्छा, अब लेटरल के ऊपर हमें दो मसल्स नजर आ रहे हैं. ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं? ये हमारे पास जो आपका थायराइड कार्टिलेज है वहां से एरेटिनॉइड कार्टिलेज की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं. इसे हम क्या कहेंगे? थायरोएरेटिनॉइड मसल्स कहेंगे. थायरोएरेटिनॉइड मसल्स, ये जो दो मसल है, एक ये वाला और एक नीचे वाला, थायरोएरेटिनॉइड मसल्स कलेक्टिवली कहलाती है. इसके दो पार्ट्स होते हैं. एक हमारे पास कौन सा होगा जी? जो कि थायरो एरेटिनॉइड मसल अपर पार्ट इसका. ठीक है, थायरोएरेटिनॉइड का. और ये हमारे पास जो दूसरा इसका पार्ट है, लोअर वन, ये कौन सा है? देखें, ये वाला ना, ये एरियो एपिग्लोटिक फोल्ड की तरफ जा रहा है. तो इसे हम क्या कहेंगे? एरियो एपिग्लोटिक पार्ट ऑफ द थायरोएरेटिनॉइड मसल. ठीक है, ये हमारे पास थायरोएरेटिनॉइड, सिंपल भी कह थायरी एपिग्लोटिक पार्ट, सॉरी, ये हमारे पास थायरोएरेटिनॉइड मसल. और ये थायरोएरेटिनॉइड मसल का कौन सा पार्ट है? जो कि थायरो एपिग्लोटिक पार्ट. क्यों? क्योंकि ये एपिग्लोटिक जो फोल्ड है, एरियो एपिग्लोटिक फोल्ड है, उसकी तरफ मूव कर रहा है, इसलिए थायरो एपिग्लोटिक पार्ट कहलाएगा. ये सारी मसल्स होगी. अब इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें चंद एक मसल्स और नज़र आ रहे हैं. ये था पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड. अब इसके ऊपर हमारे पास देखें, ये एरेटिनॉइड कार्टिलेजेस के पार्ट पे है. तो ये जो ये दो मसल है, ये एरेटिनॉइड मसल कहलाएंगी. ये कौन सी है? ये ओब्लीक एरेटिनॉइड है. और ये कौन सी है पीछे? ट्रांसवर्स. ये ट्रांसवर्स बैंड है और उसके ऊपर ओब्लीक क्रॉस क्रूशिएट अपीयरेंस बना रहा है ना, तो इसलिए ओब्लीक एरेटिनॉइड मसल. ओके, अब हम इसके मसल्स देखने के बाद हम इसका इंटरनल व्यू देखते हैं. इंटरनल व्यू में हमारे पास ये एरिया एपिग्लोटिक फोल्ड है. ठीक है, वहाँ से लेकर ये हमारे पास बेसिकली क्या बना रही है? दैट इज़ अ वेस्टिबुलर, सॉरी, दैट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेट मेम्ब्रेन. ठीक है, ये क्वाड्रेट मेम्ब्रेन है. इसकी चार बाउंड्रीज होती हैं, एंटीरियर वन, पोस्टीरियर वन, इंफीरियर वन और सुपीरियर वन. सुपीरियर वन में क्या है? एरियो एपिग्लोटिक फोल्ड है. ठीक है, और इन्फीरियर में क्या है? इन्फीरियर में हमारे पास वेस्टिबुलर फोल्ड है. ये जो हमारे पास अपीयरेंस है ना, दिस इज कॉल्ड द वेस्टिबुलर फोल्ड. और ये हमारे पास होती है कॉनस इलास्टिकस. ये दो मेम्ब्रेन है, क्वाड्रेंगुलर और कॉनस इलास्टिकस. कॉनस इलास्टिकस के सुपीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होता है वोकल फोल्ड. ठीक है, ये वेस्टिबुलर फोल्ड, ये वोकल फोल्ड, और इसके दरमियान जो स्पेस है जहाँ पर मेरी पेंसिल है, दैट इज कॉल्ड द वेंट्रिकल. तो ये हमारे पास हमने याद रखने. अब ये जो वोकल फोल्ड है, ये ट्रू वोकल है. ठीक है, वोकल कॉर्ड है. और ये हमारे पास फॉल्स होते हैं, जो वेस्टिबुलर फोल्ड है, ये फॉल्स वेस्टिबुलर होता है. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मसल्स. ठीक है, ऑफ द लैरिंग्स. ओके, अब ये जो हमारे पास ये कौन सी मसल थी? देखें, ये ओब्लीक मसल है ना, ओब्लीक एरियोपिग्लोटिक, ओब्लीक एरेटिनॉइड मसल. ये एरियोपिग्लोटिक पार्ट है ओब्लीक मसल का. क्यों? क्योंकि ये एरियोपिग्लोटिक फोल्ड की तरफ जा रहा है. इसलिए देखें ना, ये ओब्लीक मसल थी, तो ओब्लीक मसल का एरियोपिग्लोटिक फोल्ड. और ये जो हमें मसल नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड द स्टाइलोफ्रेंजियस मसल. और ये जो हमें आर्टरी और नर्व नजर आ रही है, न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये नर्व है हमारे पास, इंटरनल लैरिंजियल नर्व. ठीक है, और ये जो हमारे पास आर्टरी है, वो है सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी. अब एक चीज रह गई, वो है पिरिफॉर्म फोसा. पिरिफॉर्म फोसा क्या होता है? ये अगर हम इसको क्लोज कर दें, ये हम पोस्टीरियरली देख रहे हैं. ठीक है, ये हमारे पास इसका फेरिंजियल फोल्ड है. ठीक है, क्योंकि पीछे फेरिंग्स हो जाएगा ना, और ये लैरिंग्स है. तो ये एरियो एपिग्लोटिक फोल्ड और फेरिंजियल फोल्ड, इनके दरमियान में हमारे पास क्या होगा? दैट इज कॉल्ड द पिरिफॉर्म फोसा. और पिरिफॉर्म फोसा यहाँ पर भी पिरिफॉर्म फोसा हो सकता है. ठीक है, तो उसका कंटेंट क्या है? इंटरनल लैरिंजियल नर्व. ये बड़ा क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर भी इंटरनल लैरिंजियल नर्व होती है, जो कि शो नहीं की गई. इंटरनल लैरिंजियल नर्व, समटाइम्स हम मछली खा रहे होते हैं तो वो कांटा फंस जाता है. ठीक है, तो वो इंटरनल लैरिंजियल नर्व को पियर्स कर देता है, जिसकी वजह से होर्सनेस ऑफ साउंड हो जाती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द लैरिंग्स. थैंक यू.